देख रहे हैं CN24। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के कथित बयान के विरोध में विश्वविद्यालय के वरिष्ठ छात्र नेताओं ने फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ कैंट थाने में तहरीर दी है। तहरीर में कहा गया है कि पूर्व मुख्यमंत्री की संपत्ति जब्त करने के साथ उनका पासपोर्ट भी भारत सरकार जब्त करे और उन पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही की जाए। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री व नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने अनुच्छेद 370 को लेकर विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि अनुच्छेद 370 की बहाली के लिए चीन से मदद मिल सकती है। इसके अलावा उन्होंने मोदी सरकार के इस कदम का समर्थन करने वालों को गद्दार बताया था। फारूक अब्दुल्ला के दिए गए बयान के बाद तमाम पार्टियों में आक्रोश है, जिसको लेकर गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र नेताओं ने कैंट थाने में फारूक अब्दुल्ला के दिए गए बयान का विरोध कर तहरीर दी और मांग किया कि इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर इनकी संपत्ति जब्त की जाए और उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए। मामला ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जम्मू एंड कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला जी द्वारा जो धारा 370 पर वक्तव्य दिया गया है, निश्चित तौर पर यह देश को कमजोर करेगा और कहीं ना कहीं भारत के जो विरुद्ध शक्तियां काम कर रही हैं उनको मजबूती प्रदान करेगा। मैं जम्मू कश्मीर सरकार से और भारत सरकार से मांग करता हूं कि उनकी संपत्ति जब्त की जाए, उनका पासपोर्ट जब्त किया जाए, उनकी भारत की नागरिकता रद्द की जाए और उनको गिरफ्तार कर जल्द से जल्द जेल में डाला जाए। प्रकरण है, उनके द्वारा स्पष्ट कहा गया है कि धारा 370 हम चीन और पाकिस्तान के साथ मिलकर धारा 370 पुनः लागू कराएंगे जम्मू एंड कश्मीर में, तो जिसपे हम लोगों का मांग है, हमारे जैसे नहीं पूरे देश से आवाज उठ रही है कि उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए और उनको गिरफ्तार कर जेल में डालना चाहिए।